जी शाहब, आई वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी विद पॉकेट दैट टाइम, और कुछ मतलब 10 रुपीज का भी नोट नहीं हो पा रहा था. एक दफा 100 का नोट मैंने रखा, वॉश भी किया, उसे साफ रखा, लेकिन सुबह मुझे फिर उसको यूज करना ही पड़ा. तो मैंने कहा कि इस तरह बहुत डिले हो जाएगा काम, तो शाह साहब ने अलाउ किया हुआ है कि कागज पे आप लिख के रख लें, तो वाई नॉट आई शुड ट्राई इट. तो मतलब मैंने कहा इसमें कौन सी शर्म है, आप अपने के लिए कर रहे हो तो बात उनकी माननी है तो करना है, फिर तो फिर करना है. फिर बच्चों की स्केचबुक थी, उसका मैंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर वो 10 राइट साइड पे ना राइट नीचे वाले कॉर्नर पे 10 लिखा. और मुझे पता नहीं था कि इसको मतलब कंप्लीटली कैसे बनाना है या कहाँ और 10 लिखना है, बस वही वाला लिखा. उसके बाद फजर की नमाज में मैं उठी हूँ, फजर की नमाज अजान से पहले मैं उठी हूँ, तो उस टाइम भी ना मेरे जहन में ये था कि मैंने मेडिटेट करना है और दम लेना ना. तो मतलब ये सोचते सोचते मैंने अपने आप को ना 1 घंटा पहले से ही माइंडली उसको तैयार किया कि मैंने ये दम लेना है और इंशाल्लाह ताला ये होएगा. मतलब तो फिर वो जैसे आपने सारे वो गाइडनेस दी हुई थी कि कैसे करना है, वो मनी दम मैंने फजर की नमाज जैसे ही पढ़ी तो उसके बाद मैं बैठी मुसल्ले पे. उस टाइम ना मुझे पता नहीं था कि मसाला यूज नहीं करना इस चीज के लिए. तो मसाला पे मैं बैठी हूँ, तो वो फिर उसके मनी दम लिया वहां पे. पार्ट 1 में शासक में बैठी हूँ और पार्ट 17 तक मैंने उसको कम्प्लीटली लिया दम वहां से. मतलब पार्ट 1 लिया ना जब, तो फॉर फ्यू सेकेंड आई वॉक अवे फ्रॉम जायनमाज, फिर वापिस आई, फिर पार्ट 2 आपका प्ले किया और फिर पार्ट 2 लिया एक एक टाइम 17 वाले एक टाइम. तो दुआ साथ साथ करती गई, वही जो फ्यू वर्ड्स ही कहने होते हैं और वो वाले रिपीट करती गई. आपका जहन में था, आपको देख भी रही थी फोन पे. तो फिर वो थक गई, तो मैंने फोर्थ वाले दिन फिर मनी दम नहीं लिया, 3 दिन लिया. तो फोर्थ वाले दिन ही रात में 10 PM मुझे कॉल आई इनके बाबा के बच्चों के कि आप ATM ले लें, ATM है आपके पास, तो आप फौरन ना बैंक से विदड्रॉ करा लें 1 लाख रुपीज. क्या बात है, गो ऑन लैट.